नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। आज करनाल के लघु सचिवालय के सामने सैकड़ों की संख्या में सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं। उनकी मांगे हैं कई तरह की और उन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से नारेबाजी की जा रही है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर हुए हैं और यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में सभी कर्मचारी अपने नारेबाजी करते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके जो मांगे हैं कच्चे से पक्का किया जाए, उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जो कर्मचारी नेता हैं और प्रदेश के महासचिव हैं उनसे बात करते हैं कि आज जो है धरनेबाजी क्यों की गई है, क्या मांगे हैं सर, क्यों धरना लगाया जा रहा है। आज ये सर कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का प्रोग्राम। इसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो लगातार जिस तरीके से कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, चाहे इसमें पीटीआई है, ड्राइंग टीचर है, संस्कृत के टीचर है और अभी हमारे इंग्लिश के साथी बैठे हैं जिनका रिजल्ट आउट होना था लेकिन सरकार ने उसकी भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन पॉलिसी है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा रिटायरमेंट के बाद उसको लागू करवाने की बात है। ठेकेदारी प्रथा बंद हो, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के तहत कर्मचारियों का लगातार शोषण होता है। निजीकरण पर रोक लगे, जिस तरीके से सरकारी विभागों को सरकार बेच रही है, पूंजीपतियों का वाल लेकर रही है, उस निजीकरण पर रोक लगाने के लिए भी आज हमारा प्रोग्राम है। दूसरा, सरकार जबरदस्ती प्री मेच्योर रिटायरमेंट का फैसला लेके कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर करना चाहती है, उस प्री मेच्योर रिटायरमेंट के फैसले को भी सरकार वापिस ले और जो सरकारी विभाग इनके अंदर जो पद खाली पड़े हैं उनके ऊपर रेगुलर भर्ती हो ताकि आम जनता को समय पर बेहतर सुविधाएं दी जा सके। आज हम डीसी के माध्यम से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है कि इस समस्या का समाधान करती है तो ठीक, नहीं तो इस आंदोलन के बाद राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के आगे नया निर्णय जो है राज्य कार्यकारिणी सर कर्मचारी संघ की लेगी। कौन कौन से विभागों के कर्मचारी हैं? इसमें लगभग सभी विभागों के कर्मचारी है। इसमें बिजली के कर्मचारी है, पब्लिक हेल्थ का, नगर पालिका का, फायर ब्रिगेड के साथी हैं, क्लास फोर यूनियन के साथी, अलग अलग विभागों से सभी विभागों के साथी इसके अंदर। मांग क्या है मेन जो सरकार नहीं मांग रही है? मेन तो मुख्य मांगे तो दो तीन ही है। एक तो ये लगातार जो कर्मचारी निकालने जा रहे हैं, एक पेंशन लागू हो, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, निजीकरण पर रोक लगे, चार तो मुख्य मांगे कर्मचारियों के आज मुख्य तौर पे आए। क्या नाम आपका? मलकीत सिंह, जिला प्रधान सर कर्मचारी संघ हरियाणा। तो ये थे मलकीत सिंह जिला प्रधान, उन्होंने बताया कि उनके जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। हमारे साथ हैं सुशील गुर्जर, उनसे भी जानते हैं सर आज धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, किस लिए? देखिए आर्य जी, आज जो सर कर्मचारी संघ का जो धरना है पिछले 2:11 से 2 बजे तक का 3 घंटे का जो धरना है वो आज पूरे प्रदेश में संगठन के आह्वान पर, स्टेट कमेटी के आह्वान पर, कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी संघ पिछले काफ़ी टाइम से आंदोलन कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है कर्मचारियों की दुखी ने और सरकार कहीं ना कहीं लगातार रूप तानाशाही का जो रवैया अपना रही है। आज कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात है, LGTDG जो रोक लगाई की बात है, TGT के जो साथी आज बैठे हैं इनकी मांगों की बात है, मतलब कहीं ना कहीं तमाम मांगों का लेकर आज सौ कर्मचारी संघ काफ़ी टाइम से आंदोलनरत पाए और आज सिर्फ एक संक्षेप है स्टेट कमेटी के आह्वान पर 3 घंटे का धरना देने के बाद हम लोग 2 बजे आज ज्ञापन देंगे कार्यालय DC साहब के कार्यालय पर जाकर और ये कहीं ना कहीं मांग करते भाई सरकार कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जल्द से जल्द सौ कर्मचारी संगठन को बुला कर और जल्द से जल्द कहीं ना सरकार इसमें बातचीत रखे ताकि जो कर्मचारियों के मांगे जिसका एजेंडा खुद सरकार ने लिया था उसके ऊपर बातचीत करी जा सके और कहीं ना कहीं इनके ऊपर मांगे को पूरी करी जा सके। तो ये थे सुशील जी, उनका कहना है कि कर्मचारियों की जल्दी से जल्दी मांगे मानी जाए। हमारे साथ TGT टीचर हैं जो उनको भी बाहर निकाल दिया और उनकी जो मांगे हैं उनको भी देखते हैं, उनका जो रिजल्ट भी उनका जो अभी जो निरस्त कर दिया गया जिसको लेकर वो बैठे। सर क्या मांगे आपकी? सर TGT इंग्लिश एडवर्टीजमेंट नंबर 9/2015 हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती है, टीचर्स की भर्ती है, इंग्लिश टीचर्स की भर्ती है और इन्होंने पहले ये हवाला दिया है कि हमने जो टीचर निकाले हैं जैसे PTI ड्राइंग टीचर वो कांग्रेस के द्वारा अवैध तरीके से लगाए गए थे। कितने वो TGT टीचर्स की संख्या है 1035 पद है, यानी 1035 परिवार इससे प्रताड़ित हुए हैं जो कि एक पूरी तरह से एक मैं कहूँगा तुगल की फरमान है हरियाणा सरकार का, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है। उस मामले उस पर जो है जो माननीय हाई कोर्ट का फैसला आना था उससे पहले ही हरियाणा सरकार ने मनमाने ढंग से इस भर्ती को वापस ले लिया है, जो हरियाणा के युवा के साथ एक भद्दा मजाक है।
तो मैं संदीप दास जो कि टीजीटी इंग्लिश संगठन का राज्य प्रधान हूं, आज हम सरकार को जो है खुले तौर पर ऐलान करते हैं कि हम 1 मार्च को हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे और जितने भी संगठन आज यहां पर आए हैं उनसे सहायता ली जाएगी। संभव हुआ तो हम ट्रैक्टरों पर जो है किसान यूनियन के नेताओं के साथ मिल करके ट्रैक्टरों पर झंडे लगाकर 1 मार्च को हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि 2 मार्च को हमारी जो है इस पर तारीख लगी हुई है, इस पर हमारी तारीख लगी हुई है जिसमें जो है हरियाणा सरकार अपने इस तुगलकी फरमान को वापस लेकर के इन भावी टीचरों के भविष्य को देखे और इन भावी टीचरों के साथ न्याय करते हुए इनका मामला कोर्ट में स्वयं निपटा करके इनको जल्द ज्वाइनिंग दे। बस मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। तो ये थे संदीप जो टीजीटी के राज्य प्रधान है, उनका कहना है कि जो उनकी मांगे हैं सरकार उनको जल्दी लागू करे, उनकी 4-5 मांगे हैं मुख्य रूप से उसी को लेकर के जो आवाज़ उठाई जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांगों को लेकर यहां पर सभी सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी आए हैं उसी को लेकर के जो आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 घंटे का यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, उसके बाद 2 बजे मुख्यमंत्री के नाम उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे साथ हैं सर, आपका क्या नाम है? सतीश सेठी, जनरल सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। क्या मांगे हैं, क्यों, किस लिए? आज ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पे जो केंद्र की सरकार द्वारा प्रदेश की सरकार द्वारा जो लगातार कर्मचारियों पे हमले बोले जा रहे हैं उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर विरोध गतिविधियां कर्मचारी कर रहे हैं। हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये 4 घंटे के प्रदर्शन करके और माननीय मुख्यमंत्री को DC के माध्यम से हम अपनी 21 सूत्री मांग पत्र सौंपेंगे और ये कहना चाहते हैं इससे पहले हम तमाम विधायकों को तमाम मंत्रियों को उनके घरों पे जाके सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। आज हम मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी कोई सरकार सुनवाई नहीं करती इस 21 सूत्री मांग पत्र पे बात करके इन समस्याओं का समाधान नहीं करती तो मार्च महीने के अंदर तमाम प्रदेश के तमाम सरकारी संस्थानों पे कर्मचारी विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं उनका पर्दाफाश करते हुए रोष मीटिंगें की जाएंगी और उसके बाद अप्रैल मास के अंदर प्रदेश के तमाम 12 के 12 मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री उनके घरों पे घेराबंदी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा करेगा। जो मुख्य मांग है आज की तमाम लगातार जो कर्मचारी मांग रहा था जो BJP और जजपा के भी घोषणा पत्र के वायदे हैं कि तमाम कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इस कोरोना काल में जो DA और LTC पे रोक लगाई गई है उसको सरकार बहाल करे, इस प्रकार की और 21 सूत्री कर्मचारियों की मांगे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश सेठी, जनरल सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ। तो ये थे सतीश सेठी, जनरल सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी सर हरियाणा, इनकी जो मांगे हैं 21 सूत्रीय मांगे हैं और 21 पूरी मांगे हैं जो सरकार के आगे इन्होंने रखी हैं उसी को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री तक आज पहुंचाया जाएगा और आज लगभग 4 घंटे का धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर यहां पर ये धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। करनाल से KCRIA, पंजाब KCRIA TV।